यस, गुड मॉर्निंग क्लास. वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला. दिस इज सीए धीरज हियर एंड होप सो यू आर डूइंग वेल. इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को फॉरेन ब्रांच के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे एंड कंटेंट कवर किया था. सर बिल्कुल जो हम लोगों ने AS 11 के अकॉर्डिंग जो टॉपिक नंबर 2 कवर किया था दैट इज ऑल अबाउट फॉरेन ऑपरेशंस. दैट मींस मैंने आपको AS 11 करवाते हुए भी कहा था कि सेम चीज आप दोबारा फॉरेन ब्रांच के अंदर रीड आउट करेंगे. एंड अगेन हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर फॉरेन ब्रांच को क्या किया, कंप्लीट किया. एंड फॉरेन ब्रांच के नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट भी किए. प्लस मैंने आपको वो भी बताया कि मॉड्यूल के अकॉर्डिंग टू कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेम हैं. तो यूजली अगर आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा फ्रॉम द स्कैनर एंड मॉड्यूल, आपको एक ही चीज देखने को मिली होगी कि सर जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं किसी में सर वो ट्रायल पूछ लेता है अकेली, या किसी में नॉर्मली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कंप्लीट बनाने को पूछ लेता है, सर किसी ट्रायल के अंदर इनकॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के साथ पूछ लेता है, एंड कोई ट्रायल नॉर्मली पूछ लेता है. तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, दैट मींस 4-5 क्वेश्चंस हमने किए, सर वो 4-5 क्वेश्चंस ही हमारा टोटली बेस बनेंगी. दैट मींस हमें बस ये चीज समझ आनी चाहिए, सर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कोई मुश्किल काम नहीं है. जितना भी हमने काम किया, दैट मीन्स ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी कि कैसे बनाना है कैसे नहीं. सिर्फ वन थिंग वहां पे सीखने वाली थी, दैट इज कन्वर्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस. दैट मीन्स फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में लेके आना या बिजनेस एंटिटी की करेंसी में लेके आना, सर ये चीज वहां पे सीखने वाली थी. एंड प्लस सर इंटेग्रल में कौन से रेट यूज होंगे, एंड अगर आपकी ब्रांच नॉन इंटेग्रल है तो वहां पे कौन से रेट यूज होंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ आज छोटा सा टॉपिक एक शेयर करने वाला हूं, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच. क्लियर? अब सर इंडिपेंडेंट ब्रांच को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज सर जिसमें हम सिर्फ रिकंसिलेशन करेंगे, जिसमें सिर्फ हम अकाउंटिंग एंट्रीज डाल के देखेंगे, एंड स्कैनर के अंदर हमारे 6-7 क्वेश्चंस हैं एंट्रीज वाले. तो नॉर्मली आज वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा. प्लस इंडिपेंडेंट ब्रांच का मीनिंग क्या है वो आपको समझाऊंगा. एंड द मेन टॉपिक इज सर रिकंसिलेशन ऑफ बुक्स. रिकंसिलेशन ऑफ बुक्स, हमने सर हेड ऑफिस एंड ब्रांच की बुक्स के जो बैलेंसेज हैं उनको क्या करवाना है, रिकंसाइल. सर क्योंकि मे बी लॉट ऑफ टाइम जब आप अपनी बुक्स को ओपन करते हो या जब तुम फाइनली अपना मर्ज करने की कोशिश करते हो, तब वहां पे कई बार कुछ मिस्टेक्स सामने आती हैं या कुछ एरर सामने आते हैं. लेट इट बी सर ब्रांच कह रही है कि मैंने हेड ऑफिस को $15,000 पे आउट करने हैं. क्लियर? या इंडियन ब्रांच ही है, चलो फॉरेन ब्रांच छोड़ो, मैं कह रहा हूं जी ब्रांच कह रही है कि हमने अपने हेड ऑफिस को 10 लाख रुपीज पे आउट करने हैं, बट हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने आपसे 12 लाख रुपीज लेने हैं. तो दैट मीन सर ये डिफरेंस किस बात का? ब्रांच कह रही है कि मैंने 10 लाख देना है और हेड ऑफिस कह रहा है कि मैंने 12 लाख रुपए लेने हैं. तो सर बैलेंस शीट तो बाद में बनाएंगे, मर्ज इनको बाद में करेंगे, पहले तो इन दोनों की रिकंसिलेशन करो, इन दोनों के बैलेंस एक दूसरे की बुक्स में क्या करो, सही करो. क्योंकि जब तक सर बैलेंसेस सही नहीं होएंगे, जब तक ये आपस में बिल्कुल सही नहीं कहेंगे, वो कह रहा है जी मैंने 12 लाख लेने और मैं कह रहा हूं जी मैंने 10 लाख देने, तो कोई ना कोई एंट्री तो होगी ना वहां पे, कुछ ना कुछ तो वहां पे मिस्टेक होएगी, एरर होएगा, या मे बी सर मैंने कुछ सामान रिसीव कर लिया या मैंने पेमेंट कर दी, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, या उन्होंने सामान भेज दिया बट मेरे पास नहीं आया, या मान लो कोई अदर ऐसी एंट्री जिसके कारण ये डिस्प्यूट हमारा रेज हो गया. तो आज वही हम अपना टॉपिक लेके आए हैं कि सर अगर हमें रिकंसिलेशन करनी पड़ती भी है, दैट मींस अब सर इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हुआ यार, तुम अपनी बुक्स अलग बनाओ, मैं अपनी बुक्स अलग बनाऊंगा, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है. लास्ट में जाके ब्रांच अपने रिजल्ट्स किसको देगी, हेड ऑफिस को, एंड हेड ऑफिस कंसोलिडेट करके एक बैलेंस शीट बना के दे देगा हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नॉर्मली सर अब जब हम दोनों सेपरेट काइंड ऑफ एंटिटीज हैं, हम दोनों अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा हूं, आप अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहां पे कोई ना कोई गलती होएगी, जिसके कारण हमारा ये जो बैलेंस है वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया. क्लियर? जैसे मैं कह रहा था कि मैंने 10 लाख देना है, आप कह रहे हो जी मैंने 12 लाख लेना है, तो मतलब सर कोई ना कोई मिस्टेक तो है. प्लीज आप इस मिस्टेक को पहले रिजॉल्व करें,
नेक्स्ट ऑन हम क्या करेंगे सर, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में अगेन कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर वही बात, दैट मींस मैं बार बार समझा रहा हूं, ब्रांच अकाउंटिंग काइंड ऑफ है तो सर फाइनल अकाउंट्स ही है, कर तो यहां पे भी आप क्या रहे हो, फाइनल अकाउंट्स ही रहे हो, सिर्फ एक दो पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा हैं जिसके कारण आपका ये पूरा टॉपिक एक बड़े लेवल का बन गया। अब आइए लाइक साथ साथ मैं आपको कंटेंट भी करवाऊंगा प्लस नए नए पॉइंट्स भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। सर ये सेम चार्ट जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं, क्लियर, ये सेम चार्ट आपने अपनी कॉपी पे साफ साफ बनाना है। दैट मींस ये कुछ एंट्रीज हैं, पहले तो ये दो पेजेस मैं रीड आउट करवाऊंगा, ये रीड आउट करवाने के बाद साथ साथ जो क्वेश्चंस नेक्स्ट होंगे जो स्कैनर में से, स्कैनर अपना ओपन रखना साथ में, क्लियर, क्योंकि आज ये दो पेजेस रीड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो स्कैनर में से करवाऊंगा, क्लियर, तो स्कैनर आप साथ साथ लेके अभी के अभी सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। दैट मींस एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ मेरी क्लास के साथ साथ ही आपने ये टाइम लगाना है। तो सर आइए, सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट ब्रांच मींस दैट ब्रांच विच मेंटेन्स इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस एटसेट्रा, दीज कैन बी डोमेस्टिक ब्रांच और मे बी फॉरन ब्रांच। बिल्कुल सर, अब यहां पे आपने यही तो समझाया था सर, जैसे आप फॉरन ब्रांच पढ़ के आए हैं तो फॉरन ब्रांच भी किसका पार्ट है, काइंड ऑफ सर इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही पार्ट है ना, क्योंकि वहां पे फॉरन ब्रांच अपनी बैलेंस शीट, अपने ट्रेडिंग पीएल, अपनी ट्रायल, अपनी बुक्स, अपनी कैश बुक, लेजर, सब कुछ अलग मेंटेन कर रहे हैं। तो सर इसी का, दैट मींस इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही हम एक पार्ट कर चुके, बट द सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज डोमेस्टिक ब्रांच। मैं कहा जी फॉरन को छोड़ो, वो तो तुम कर चुके, बेहतर कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर आपकी ब्रांच इंडिया में ही है, अगर आपकी ब्रांच डोमेस्टिक है तो उनको मर्ज कैसे करोगे, अगर उनके बीच कोई डिफरेंसेस हैं तो उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कैसे करोगे, मुझे तो इस बात के बारे में बताओ। आइए सर, डोमेस्टिक ब्रांच मींस ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, हम यहां पे इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दें। हाँ जी, डोमेस्टिक ब्रांच ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट ब्रांच इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। दैट मींस हम तो सर ये कह रहे हैं कि सारे अलग अलग हैं, दैट मींस हमारी ब्रांच अलग है, हमारा हेड ऑफिस अलग है, क्लियर, सब एचओ, दैट मींस सबकी बात कर रहे हैं, सब हेड ऑफिस कॉमा ब्रांच अलग अलग हैं, हेड ऑफिस ब्रांच से प्रॉफिट कमा सकती है। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है बट आप साफ साफ लिखिएगा, क्लियर। तो नॉर्मली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर अगर आप हमें ये बता रहे हैं कि दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, हेड ऑफिस अलग है एंड ब्रांच अपनी बुक्स अलग मेंटेन करेगा, तो अगर हम इन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, अलग अलग ट्रीट करेंगे, तो ये भी बात बिल्कुल जाहिर सी है सर, फिर तो हेड ऑफिस ब्रांच से क्या कमाएगा, पैसे कमाएगा। सर हेड ऑफिस तो जैसे दूसरे लोगों को सामान सेल करेगा वैसे ही अपनी ब्रांच को सेल करेगा। तो सर यहां पे स्पेशली इन क्वेश्चंस के अंदर एक पॉइंट आपके माइंड में अभी आना चाहिए, क्या सर एक बार बताओ, अल्टीमेटली लास्ट में जाके ब्रांच के रिजल्ट्स कहां पे जाएंगे, हेड ऑफिस में। अल्टीमेटली ब्रांच की जो बैलेंस शीट होगी वो कहां पे मर्ज होगी, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में। तो सर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, एक कॉमन सा पॉइंट, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है या जो ओपनिंग स्टॉक होगा ब्रांच में, सर सबके अंदर हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। साफ सी बात है, जैसे आपने कहा कि मैं कस्टमर को जैसे सामान बेचूंगा वैसे ही ब्रांच को बेचूंगा। हाँ थोड़ा बहुत अलग कर देंगे कि मैं कस्टमर को 25% प्रॉफिट पे बेचता हूं, आपको मैं 15% प्रॉफिट पे बेचूंगा, बट सर लोडिंग तो है ना, स्टॉक रिजर्व तो है ना इसके अंदर। मैंने जितना भी सामान आपको सेल किया, जितना भी सामान मैंने आपको भेजा ब्रांच को, है तो वो प्रॉफिट पे है ना। अब सर अगर तो वो जो स्टॉक था जो मैंने आपको भेजा, जो मेरी ओर से हेड ऑफिस की ओर से स्टॉक आपकी ओर गया, अगर तो सर आपने वो सेल कर दिया देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप प्रॉफिट कमा चुके। बट सर जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है, ब्रांच के पास पड़ा है, सर वो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे वाली ही गुड्स है ना,
एंड उन गुड्स के ऊपर मैंने प्रॉफिट चार्ज करके प्रॉफिट मार्जिन लगा के आपके पास भेजा था। जैसे आप कह रहे थे सर कॉस्ट प्लस 15% या कॉस्ट प्लस 20%, तो सर वो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ। अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो क्या सर हम यहां पे लोडिंग कैंसिल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दैट मींस सर इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर, डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर वही पॉइंट्स आपके दोबारा रिपीटिंग होंगे। क्या चीज सर? लोडिंग कैंसिल करना, स्टॉक रिजर्व्स के पॉइंट यहां पे दोबारा फिर आएंगे। क्लियर? चलो सर वो तो क्वेश्चंस का पार्ट है, वो तो क्वेश्चन में डील करेंगे, अभी क्यों डरा रहे हो। क्लियर? आइए कुछ एंट्रीज यहां पे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमने क्या बनाया? पर्टिकुलर्स मतलब टाइप ऑफ एंट्री, हेड ऑफिस उसकी एंट्री क्या डालेगा एंड ब्रांच उसकी एंट्री क्या डालेगी, बिकॉज हमारे लिए तो सर दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अपनी अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्री डालेंगे जो एंट्रीज इनकी आपस में हो रही हैं। क्लियर सर? फर्स्ट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय एचओ, कॉस्ट कितनी थी? 10,000। मैंने तुम्हें कितने का भेजा? 12,000 का। दैट मींस नेचुरली वो प्रॉफिट वाली बात आ गई ना। जैसे मैं नॉर्मल कस्टमर को सेल करूंगा वैसे ही मैं ब्रांच को सेल करूंगा, तो इसमें कोई सर मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तुम कमाओ यार, तुम प्रॉफिट कमाओ, फिर क्या हो गया तुम्हारी ब्रांच है? तुम तो अपना सामान बेच रहे हो ना, प्रॉफिट पे बेचो, क्या खास बात होगी। हेड ऑफिस इसकी एंट्री क्या डालेगा? हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर ब्रांच से उसने पैसे लेने हैं। अरे वैसे भी सेल की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री हम क्या डालते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही एंट्री हम यहां पे डाल रहे हैं। मेरे लिए डेटर कौन हुआ? हेड ऑफिस के लिए डेटर कौन हुआ? ब्रांच। एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, साफ शब्दों में क्लियर कर दूं सर, यूजुअली आप एक बार बताओ, हेड ऑफिस ने नेचुरली कॉमनली ब्रांच से पैसे लेने, हर केस में ब्रांच से पैसे लेने हैं, तो मतलब जितनी बार भी ब्रांच से पैसे लेने होंगे तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को क्या करेगा? डेबिट करेगा। नेचुरली सर डेबिट करेगा ना डेटर्स। एंड जितनी बार हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट करेगा, हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट करेगा, दैट मींस वो उतनी अमाउंट से ब्रांच की अमाउंट क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। क्लियर? क्योंकि सर वैसे तो तुमसे पैसे लेने होते हैं, और अगर तुम्हारे पैसे कहीं आ चुके या कहीं से कैंसिल कर दिए या कहीं से एडजस्ट कर दिए, तो उतनी अमाउंट से मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो इतना पता है सर, इतना पता है हेड ऑफिस के लिए, जब भी ब्रांच से पैसे लेने होंगे डेबिट, एंड जब भी ब्रांच के साथ कोई एडजस्टमेंट होगी या ब्रांच से पैसे आ गए तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। एंड उल्टा केस, सर ब्रांच ने तो आपको पैसे देने ही थे, तो ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को यूजली क्या करेगी? क्रेडिट। जितनी बार भी पैसे देने होंगे, जितनी बार भी पैसे देने होंगे, लाइक जैसे तुम एंट्री डालते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो मेरे लिए क्रेडिटर कौन हुआ? मेरा हेड ऑफिस। तो जितनी बार भी मैं हेड ऑफिस को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। सर ये नेचर बता रहा हूं, नेचर बता रहा हूं, सो दैट आपको नेक्स्ट आगे जितनी भी एंट्रीज है उसमें दिक्कत ना आए। सर यहां पे ब्रांच डेबिट कैसे हो गया? सर यहां पे हेड ऑफिस क्रेडिट कैसे हो गया? आप एक नेचर समझने की कोशिश करो। क्लियर? कि मेरे लिए, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस एक क्रेडिटर है जिसको मैंने हर अमाउंट पे आउट करनी है, तो यूजली बैलेंस तुम्हारा क्रेडिट ही होएगा। हाँ, जितने पैसे मैं तुम्हें दे चुका या जितने की मैं तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट कर चुका, मैं उतनी अमाउंट से तुम्हें क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो अगर आप ये मेरी 2 मिनट की स्पीच, अगर ये 2 मिनट का पॉइंट आप समझ चुके कि सर मैं हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को डेबिट कब करूंगा या ब्रांच को क्रेडिट कब करूंगा, या ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट कब करूंगा या हेड ऑफिस को क्रेडिट कब करूंगा, तो ये एंट्रीज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। ओके सर, अब चलिए सिंपल सिंपल पॉइंट्स करवा भी दीजिए। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? मैंने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, मैंने आपको एक तरह की सेल करी, तो एंट्री क्या पास करेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच से उतने पैसे लेने हो गए, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्लियर? यहां पे सेल्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि सेल्स वर्ड यूज करते हैं हम कस्टमर के लिए, और तुम मेरी खुद अपनी ब्रांच हो, तो मैं एक अलग अकाउंट ओपन करूंगा, दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच। और वही सामने वाली पार्टी, तुम ब्रांच, अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। जैसे हम लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट, तुम परचेज नहीं कहोगे, तुम कहोगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ,
टू हेड ऑफिस अकाउंट कि हेड ऑफिस को 12,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा कि फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो चुकी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अब आइए वन बाय वन नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। सर अगर फिक्स एसेट्स परचेज्ड बाय एचओ करी है, दैट मींस एचओ ने अपनी कोई फिक्स एसेट परचेज करी है, तो इसमें क्या खास बात सर? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि इसका ब्रांच के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुमने अपनी बुक्स में कोई अपनी मान लो फिक्स एसेट परचेज करी, तो मेरा क्या इससे मतलब? मैं अपनी बुक्स देख रहा हूं, तुम अपनी बुक्स देखो। तुमने परचेज करी है, तुम अपनी बुक्स में एंट्री डाल दो, मैं क्यों डालूंगा? क्लियर? ऐसे ही फिक्स एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच, क्या खास बात है सर? ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री डाल देगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नाउ सर पंगा तो तब पड़ेगा जब फिक्स्ड एसेट ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की फिक्स एसेट ट्रांसफर कहां पे हो रही है? ब्रांच में। जैसे मान लो हेड ऑफिस में कोई फिक्स एसेट थी सर, हेड ऑफिस की फिक्स एसेट लेट इट बी कोई मान लो एसी पड़े थे, फर्नीचर पड़ा था, मैंने कहा हेड ऑफिस में फालतू तो पड़ा है, इसको ब्रांच में भेज दो, वहां पे नया लेने की जरूरत क्या है? समझ गए ना? सेविंग करो यार, सिंपल सी बात। मैं कह रहा हूं जी मुझे पंचकुला में कोई रिक्वायरमेंट है, बट मेरे घर पे वो चीज एक्स्ट्रा पड़ी है, तो मैं यहीं से वहां पे ले जाऊंगा चीज, कोई जरूरी थोड़े कि नई परचेज करनी है, क्यों पैसे खराब करेंगे? वही चीज यहां पे यस। तो एंट्री क्या तुम डालोगे? सर लेट इट बी मेरा कोई 1,00,000 रुपए का फर्नीचर था, एंड 1,00,000 रुपए का फर्नीचर मैंने ब्रांच को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। मैं कहा जी तुम बरत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो यहां पे फालतू पड़ा है। तो मैं अपनी बुक्स में से, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में से फिक्स एसेट को बाहर निकाल लेगा, एंड बाहर निकालने के लिए व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। नॉर्मल बेसिक रूल्स हैं, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। एंड उसके बदले में सर ये 1,00,000 रुपीज तुम किससे चार्ज करोगे? ब्रांच से नहीं चार्ज करोगे, फ्री में थोड़ी दोगे उसको। हाँ मैंने ये कहा था कि मेरे पास पड़ा है तो मेरे से ले ले, जरूरी है मार्केट से लेके आएगा, वहां से इतनी महंगी परचेज करेगा, मैं तेरे को यहां पे जितने की आई है उतनी की दे दूंगा। तो नॉर्मली मैंने भी एंट्री किया बस करी ब्रांच अकाउंट डेबिट कि भाई तेरे से 1,00,000 रुपए लेना है। मैं कहा जी किस बात का? वो फिक्स एसेट लेके नहीं गया था, वो जो फर्नीचर 1,00,000 रुपए का था वो ट्रांसफर नहीं किया था तुझे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं भूल गया था, ना याद मैं करवा दूंगा कि मेरी ओर से क्या गया। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कि मैंने साथ के साथ एंट्री पास कर दी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, एंड तुम अपनी एंट्री क्या डालोगे? सर पहले तो जो चीज आ रही है वो आने दो, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट क्योंकि मेरे पास तो व्हाट कम्स इन मेरे पास तो आ रहा है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, और इसके पैसे किसको देने हैं? हेड ऑफिस को देने हैं ना, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। क्लियर? ठीक है सर, अब आइए कुछ डेटर्स ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। सर पहली बात ये बात बताओ, ये डेटर थे किसके? ये डेटर्स थे किसके? डेटर्स ऑफ ब्रांच। सर डेटर्स थे ब्रांच के, और कलेक्ट किसने किए? कलेक्ट करे सर हेड ऑफिस ने। जैसे नॉर्मली मैं कह रहा हूं कि सर मेरी जो ब्रांच है सर लेट इट बी हेड ऑफिस मेरा यहां पे है पटियाला में, समाना में, एंड ब्रांच मेरी है पंचकुला में, तो सर आप मेरे डेटर्स हो तो सर पंचकुला के, बट आप में से कोई पर्सन हेड ऑफिस में आके यहां पे आके पैसे जमा करवा गया, तो दैट मींस मैंने हेड ऑफिस ने ब्रांच के डेटर से पैसे क्या किए? कलेक्ट किए। पहली बात, एक बात सिंपल क्लियर करो, ब्रांच के डेटर्स थे ना कि हेड ऑफिस के। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में, मैं अपनी बुक्स में कोई डेटर्स कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बुक्स में तो डेटर आ ही नहीं रहे। डेटर किसके थे? ब्रांच के। तो डेटर्स को कौन कैंसिल करेगा? ब्रांच अपनी बुक्स में कैंसिल करेगी, ना कि मैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बिहाफ पे, ब्रांच के बिहाफ पे पैसे रिसीव करके रख लिए, मैं तो एंट्री करा लूंगा जी मेरे पास कैश या चेक आया ब्रांच के नाम से। मुझे नहीं पता कौन देखे गया कौन नहीं देखे गया, इतना पता वो ब्रांच का डेटर था, तो नॉर्मली कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, मैंने तो ब्रांच के पैसे जमा कर लिए। और उधर से वो एंट्री क्या पास करेंगे? सर पहली बात तो वो जो डेटर था वो हमारा था, पहले तो डेटर कैंसिल करें, डेटर्स को अपनी बुक्स में कैंसिल करें, क्योंकि आपकी ओर से जो पेमेंट थी वो आ चुकी, ब्रांच के डेटर्स की ओर से पेमेंट आ चुकी, तो मैं तो पहले ब्रांच वाला क्या करेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में पहले तो डेटर कैंसिल करेगा, एंड वो पेमेंट किसके पास गई? सर हेड ऑफिस के पास गई। तो मैंने काइंड ऑफ
हेड ऑफिस को एडजस्ट करवा दिए। मैं कहा भाई मेरा एक वो डेटर आया होगा आपके पास, 10,000 रुपये उसने जमा करवाए होंगे। कहता हाँ, एक आया था, ब्रांच का डेटर था। ऐसे करियो, वो 10,000 तू मेरे अकाउंट में से एडजस्ट कर लियो, ठीक है ना। मैंने वैसे भी तुम्हें पैसे देने ही हैं, ब्रांच कह रही है ये चीज क्लियर, ब्रांच कह रही है कि मैंने वैसे भी को हेड ऑफिस को पैसे देने ही है। आप ऐसे करो, जो 10,000 मेरे वाले डेटर के आए थे आप वो अपने बैलेंस में से एडजस्ट कर लो। ठीक है सर, हमें क्या दिक्कत है। तो मैंने भी एंट्री क्या पास करी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कि जो डेटर से पैसा आया था वो हेड ऑफिस को मैंने क्या करवा दिया, एडजस्ट करवा दिया। क्लियर, प्योरली प्योरली एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं कि जो पैसा इधर का उधर हुआ। नॉर्मली सर हिसाब किताब रख लो, जैसे कई बार नॉर्मली क्या होता है सर, मेरी फीस किसी और के पास आ गई। क्लियर, लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स सर मैं वहां पे पंचकुला अवेलेबल नहीं हूं, तो मेरी जो फीस है मैंने कहा जी आस्था मैम को दे दो। क्लियर, आस्था मैम को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली मैं आस्था मैम को क्या कहूंगा, मैं मैम को ये कहूंगा कि मैम वैसे भी तो हमारा हिसाब चल रहा है, आप उसमें से एडजस्ट कर लो। और इधर से मैंने अपने डेटर्स क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, कि उस पर्सन से पेमेंट आ चुकी। क्लियर, कि मैं उस पर्सन से पेमेंट आ चुकी, बट वो पेमेंट मुझे नहीं रिसीव हुई, वो डायरेक्टली किसको रिसीव हुई, आस्था मैम को। तो मैं नेचुरली वहां पे क्या एंट्री डालूंगा, क्या एंट्री डालूंगा, आस्था मैम अकाउंट डेबिट। क्लियर, क्योंकि उनके अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट, क्योंकि मुझे उनको देने थे, आज मैं उनको क्या करूंगा, डेबिट। क्लियर, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, दैट मींस आपसे जिससे भी पेमेंट आई उसको मैं रिसीव कर दूंगा, सिंपल सी बात। तो सर ये तो हमारी प्लस वन की एंट्रीज है, इसमें तो इतनी कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज, आइए सर नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स ऑफ हेड ऑफिस। किसके क्रेडिटर्स, हेड ऑफिस के, पेड बाय ब्रांच, बट उनको पे किसने किया, ब्रांच। सर ईमानदारी से बिना देखे बोलना, यहां से हेड ऑफिस के क्रेडिटर थे, पे कौन कर रहा है, ब्रांच। पहली बात, क्या ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस के क्रेडिटर होंगे, खुद दिमाग लगाओ, क्या ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में जो ये पेमेंट करी, क्या उसकी बुक्स में क्रेडिटर्स होंगे, मतलब ही नहीं सर। खुद तो बोल रहे हो क्रेडिटर्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स, हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट किसने करी, ब्रांच ने करी। तो पहली बात तो ब्रांच एंट्री के डालेगा, ब्रांच के एंट्री डालेगा, मुझे नहीं पता जी किसको पेमेंट करी, मैंने तो एक तरह की हेड ऑफिस को पेमेंट करी, और कैश या बैंक मेरे से चला गया, तो मैं तो एंट्री बिल्कुल सिंपल कहूंगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मुझे नहीं पता वो क्रेडिटर थे, कौन पर्सन था कौन नहीं, इतना पता है कि मैंने तो ये हेड ऑफिस के बिहाफ पे पेमेंट करी, तो मैं तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कहूंगा। बट सर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या कहेगा, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या कहेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट तो उनको जा चुकी ना, कैंसिल तो कर दें, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाँ मैंने पेमेंट नहीं करी, मैंने टू कैश या बैंक नहीं किया, मेरे बिहाफ पे किसने करी, ब्रांच ने। तो सर टू ब्रांच, कि मैं तो उसके ब्रांच के जमा कर लूंगा, कि वैसे पेमेंट मेरी बनती थी बट मेरे बिहाफ पे तुमने पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे से वैसे भी तो लेने थे, वो कैंसिल कर लियो आपस में। तो ये लेन देन ही है जो आपस में हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। आइए एंट्री चेकआउट कर लो, सिंपल सी एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और उधर क्या कहेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो नॉर्मली सर ये तो बहुत ईजिएस्ट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट ऑफ ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स। क्लियर, नॉर्मली जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होंगी सर, उस फिक्स एसेट्स के ऊपर, ब्रांच फिक्स एसेट मतलब जो भी तुम्हारी फिक्स एसेट होंगी उसके ऊपर आप अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना। बट सर फिक्स एसेट ऑफ हेड ऑफिस यूज्ड बाय ब्रांच चार्ज्ड डेप्रिसिएशन, मतलब जो दैट मींस जो फिक्स एसेट किसकी है, हेड ऑफिस की, बट यूज कौन कर रहा है, तुम लोग। सिंपल सी बात, एक देखो कि फिक्स एसेट किसकी हैं, सर फिक्स एसेट्स हैं वो हेड ऑफिस की, बट उनको यूज कौन कर रहा है, आप लोग, ब्रांच। तो उसके ऊपर कहते हैं आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। एक चीज थी जो पीछे एंट्री आपने करी, वहां पे मैंने एसेट ही ट्रांसफर कर दी। क्लियर, मैंने एसेट ही ट्रांसफर कर दी कि जैसे मर्जी तुम यूज करो, आज के बाद ये एसेट तुम्हारी। बट अब मैं क्या कह रहा हूं, एसेट मेरी रहेगी, यूज तुम जितना मर्जी करो।
सर आपने कहा था कि लाख रुपए का फर्नीचर मैंने ट्रांसफर किया, दैट मींस मेरी ओर से जा चुका। आप तब भी एंट्री वहां पे पीछे जाके चेकआउट करना, वहां पे फिक्स एसेट हेड ऑफिस की बुक्स में क्रेडिट हो रहा था, एंट्री क्या डाली थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कि फिक्स एसेट्स जा चुकी सर मेरी ओर से ट्रांसफर हो चुकी। कल को लिए लाख रुपए का फर्नीचर, ब्रांच अपने लेवल पे देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना, बट मेरी ओर से ट्रांसफर हो चुका। बट अब मैं क्या बात कर रहा हूं सर, एसेट मेरी है, यूज तुम करो, दैट मींस फिक्स एसेट्स का बैलेंस आज भी मेरी बुक्स में है, अकाउंटिंग मैं ही कर रहा हूं बट यूज तुम कर रहे हो, क्लियर। तो नॉर्मली हम वहां पे फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे सर? देखो, अगर जो पर्सन यूज करेगा खर्चा भी वही क्लेम करेगा। अब नॉर्मली ब्रांच ने यूज करी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किसकी बुक्स में आना चाहिए? ब्रांच की बुक्स में आना चाहिए। बट सर ये जो खर्चा है, ये काइंड ऑफ ये हेड ऑफिस को देना हो गया ना, क्योंकि मैंने अगले की एसेट्स यूज करी, क्लियर। मैंने अगले की एसेट्स यूज करी तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैं फिक्स एसेट तो कर नहीं सकता क्योंकि फिक्स एसेट मेरे पास थोड़ी पड़ी है। फिक्स एसेट कहाँ पड़ी है? हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में फिक्स एसेट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मैं तो एंट्री क्या डालूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये खर्चा किसको देना हो गया? हेड ऑफिस को देना हो गया। और हेड ऑफिस क्या कहेगा? ब्रांच से पैसे लेने हैं। किस बात के? जो उन्होंने हमारी एसेट यूज करी, एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट करी, क्लियर। तो नॉर्मली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। अरे वैसे भी एक नॉर्मल एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। नॉर्मली एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। बट सर ये जो फिक्स एसेट्स मेरे पास पड़ी हैं, यूज तुम कर रहे हो, तो फर्क क्या पड़ गया सर? यही तो एंट्री घूमगी। मैंने क्या कहा? आप क्या कहोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। मैं क्या कहूंगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अल्टीमेट एंट्री तो यही है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ये सिर्फ फर्क क्या पड़ गया? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग थिंग्स हो रही हैं। यूज तुम कर रहे हो, अकाउंटिंग मेरे पास है, क्लियर। नेक्स्ट इज सर डेटर्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के कुछ डेटर थे 10,000 के, कलेक्शन हुई 9,000 एंड डिस्काउंट हुआ 1,000। अमाउंट किसने कलेक्ट करी? ब्रांच ने। सर ये तो उल्टा केस हो गया। पहले आपने कहा था कि ब्रांच के डेटर्स कलेक्ट किए हेड ऑफिस ने, और अब आप कह रहे हो हेड ऑफिस के डेटर हैं और कलेक्ट कौन कर रहा है? ब्रांच। तो नॉर्मली पहले तो सर ब्रांच एंट्री डाल दे कि ब्रांच ने जो पैसे रिसीव किए मैंने तो सर हेड ऑफिस के पॉइंट से किए, मेरे को नहीं पता कि नॉर्मली ये पेमेंट कितनी लेनी थी, कितना डिस्काउंट था, मेरे को तो कोई पर्सन आया 9,000 रुपये देके चला गया और मैंने भी जमा कर लिए, तो मैं तो एंट्री क्या डालूंगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ब्रांच, के एंट्री डालेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। मुझे नहीं पता सर ये किस बात के पैसे आए किस बात के नहीं, मैं तो हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर दूंगा एक बंदा आया था जी राम, वो 9,000 रुपये दे के चला गया। अच्छा, 9,000 दे गया, चलो कोई बात नहीं। हेड ऑफिस कहता जी उससे 10,000 लेने थे, 9,000 दे के गए। कहता हाँ जी हाँ, फुल सेटलमेंट बोल रहा था कि बात हो चुकी है आपसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं यहां पे एंट्री क्या डालूंगा सर? ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच से 9,000 लेना हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 का लॉस हो गया, टू डेटर्स, को अपनी बुक्स में से क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा 10,000 रुपीज। तो ये तो सर उल्टा एंट्री भी हो सकती है, जैसे आप पीछे करके आए थे कि डेटर्स किसके थे? ब्रांच के, क्लियर। रिसीव किसने किए? हेड ऑफिस ने। अब यहां पे क्या बोल गया? डेटर्स किसके हैं? हेड ऑफिस के। रिसीव किसने किए? ब्रांच ने। तो इसमें कोई सर खास बात नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिस चार्ज बाय एचओ। ये ध्यान रखना, ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड लॉट ऑफ टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जाएगी। सर एक्सपेंसिस चार्ज बाय एचओ में आप लिखेंगे क्या एंट्री? अब हेड ऑफिस ने आपसे कुछ खर्चे क्या किए? चार्ज किए। क्योंकि सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हेड ऑफिस ऑल ओवर सारी ब्रांचेस को इंक्लूड करके क्या करेगा? पे आउट करेगा। क्योंकि सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि नॉर्मली मैं अगर कहूं बाकी सारे खर्चे ब्रांच अपने लेवल पे करेगी, बट सर कुछ कॉमन खर्चे होते हैं जो हेड ऑफिस करेगा एंड बाकी सबके ऊपर वो क्या किए जाएंगे? एलोकेट किए जाएंगे, लाइक ओवरहेड्स, जैसे आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो ना ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब सर जो स्पेसिफिकली अलॉट नहीं हो सकते, क्लियर। जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट वाइज अलॉट नहीं हो सकते तो उनको कॉमनली हम उठा के सबके ऊपर बांट देते हैं। तो वही काम ये
हेड ऑफिस ने सारी ब्रांचेस को इंक्लूड करके खर्चा किया था, अब वो एक्सपेंस ये क्या कर रहे हैं, आपसे चार्ज कर रहे हैं, क्लियर। तो नॉर्मली पहली बात, मैं यहां पे आपसे खर्चा चार्ज करूंगा तो दैट मींस ब्रांच से पैसा लेना हुआ एंड मैंने अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस को क्या कर रखा था, हु आई एम द हेड ऑफिस, क्लियर। हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में खर्चा डेबिट कर रखा था ना सर, बट उस खर्चे में से कुछ खर्चा तो ब्रांच के बिहाफ पे किया था आपने, उसको कैंसिल करो और ब्रांच से उतने पैसे रिसीव करो। तो एंट्री क्या डलेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट, कि ब्रांच से उतने पैसे लेने हैं टू एक्सपेंसेस अकाउंट, और ये एक्सपेंसेस का खर्चा मैं कैंसिल कर रहा हूं कि मेरा खर्चा नहीं है, तुम्हारा है, ये मैंने तुम्हारे बिहाफ पे किया था। एंड इधर ये क्या कहेंगे सर ब्रांच वाले, ये कहेंगे जी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जिसको हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में जगह देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और हेड ऑफिस को इस बात के पैसे देने हैं, हेड ऑफिस को इन एक्सपेंसेस की पेमेंट अभी करनी है, क्लियर। अगर आप इन एंट्रीज को बहुत बेटर वे से रिटेन करना चाहते हो तो सिंपली थिंग क्लियर करो, वन थिंग क्लियर करो कि सर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को कब डेबिट किया जाएगा एंड ब्रांच को कब क्रेडिट किया जाएगा। अगर तुम नेचर इस बात की समझ रहे हो ना कि सर ब्रांच को डेबिट करना मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट कब करेगा, जब पैसे लेने होंगे, किसी भी बात के जब पैसे लेने होंगे, एंड हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट कब करेगा, जब सर उसके पैसे आ चुके, कैंसिल करने होंगे या एडजस्ट करने होंगे तब उसको क्रेडिट करेगा। तो जब ये दो पॉइंट्स मुझे समझ में आ चुके ना तो नॉर्मली मुझे एंट्री को दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। ऐसे ही सेम ब्रांच, सर ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट कब करेगा या हेड ऑफिस को क्रेडिट कब करेगा, सर यूजुअली ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट करती है क्योंकि पैसे देने ही निकलते हैं, क्लियर। एंड डेबिट कब करेगी, जब पैसे दे चुका या कैंसिल करने हैं या एडजस्ट करने हैं, सिंपल सी बात। अगर ये दो टर्म्स मेरी आप क्लियरली समझ रहे हैं तो ये डेढ़ पेज जो हमने किया सर इसमें कोई नया पॉइंट नहीं था, इज दैट क्लियर। आइए नेक्स्ट आगे कुछ थोड़ी सी नोटिंग और पढ़ के आपको जल्दी ही क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूं, बट फर्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। सर अब ये बात बताओ कि जब आप अकाउंट्स को कंसोलिडेट करोगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्लियर, कैसे कंसोलिडेशन करनी है वो मैं चेकआउट करूंगा कि मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चन है या स्कैनर में कौन से क्वेश्चन है, सो दैट आपको कंसोलिडेशन का एक आधा क्वेश्चन वहां पे करवाया जाए। ओके सर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड और कंसोलिडेटेड इनटू वन मर्ज्ड एंटिटी फॉर द रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका, क्योंकि सर अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट किसने पेश करनी है, हेड ऑफिस ने, एंड हेड ऑफिस अकेली अपनी रिपोर्ट तो देगा नहीं, वो विद ब्रांचेस देगा ना, तो ब्रांचेस अपना क्या करेंगी, सारा रिजल्ट किसके पास देंगी, हेड ऑफिस के पास, एंड हेड ऑफिस ब्रांच के साथ अपने रिजल्ट्स को मर्ज करके कंसोलिडेट करके एक टोटल बैलेंस शीट वहां पे बना के देगा। एंड अगर आपको याद हो आपने लास्ट क्वेश्चन किया भी था फॉरेन ब्रांच के अंदर जिसमें हेड ऑफिस ब्रांच और टोटल का अकाउंट हमने बनाया था, वैसे ही डिट्टो क्वेश्चंस यहां पे आएंगे हेड ऑफिस ब्रांच और टोटल, क्लियर। यस, इन दिस केस फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। सर अब आप कंसोलिडेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करोगे, क्लियर। वन इज प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच फ्रॉम अवेलेबल ट्रायल बैलेंस। पहले तो फाइनल अकाउंट्स बना लो ब्रांच का, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लो ब्रांच की, क्लियर, जो भी तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। While preparing final accounts, closing stock of finished goods should be evaluated. If such closing stock is missing, but अगर ऐसा कोई closing stock नहीं given, then stock account वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, prepare करना पड़ेगा and जहां से balancing figure आप निकालेंगे। एंड कृपा करके ये जितने भी noting आप read out कर रहे हैं इसको copy पे proper note down कीजिएगा, प्रॉपर इसके नोट्स बनाना साफ साफ प्लीज, क्लियर। यस सर, अब ये स्टॉक अकाउंट बनाने का मोटिव क्या हुआ। सर ये स्टॉक अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं कि समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर स्टॉक अकाउंट नहीं गिवन होता, दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन होती, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए, क्लियर, जब ब्रांच का स्टॉक नहीं गिवन होता तो वहां पे निकालने के लिए आपको स्टॉक अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। बट एक ध्यान रखना सर, ये किसका स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच का,
किसका स्टॉक अकाउंट है? ब्रांच का। एंड ब्रांच का स्टॉक अकाउंट हमेशा आईपी पे बनेगा। आईपी मींस इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। क्योंकि सर हेड ऑफिस ने जो भी सामान इनको भेजा होगा सर, वो किस पे भेजा होगा? आईपी पे भेजा होगा। दैट मींस मार्जिन लगा के भेजा होगा। तो नॉर्मली अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही निकालना चाहते हैं, अगर आप ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक की, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही निकालना चाहते हैं, तो आपको वो स्टॉक अकाउंट किस पे बनाना पड़ेगा? आईपी पे बनाना पड़ेगा। और बाद में लोडिंग कैंसिल कर लेंगे कि हेड ऑफिस ने कितना चार्ज किया कितना नहीं, बट एक बार क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको आईपी पे सारा अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। अब मैं किसी के साथ नहीं लिखूंगा आईपी पे, क्योंकि सारा अकाउंट ही आईपी पे बनेगा। क्लियर? बाय गुड्स रिटर्न्ड, उसमें जितनी वापसी हुई, बाय सेल, बाय शॉर्टेज एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? बाय क्लोजिंग स्टॉक आपकी यहां पे क्या आएगी? बैलेंसिंग फी। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसको मैं रिपोर्ट करूंगा ब्रांच की बुक्स में, एंड जिसके ऊपर आपकी लोडिंग क्या होगी? कैंसिल होगी हेड ऑफिस के बुक्स में। क्लियर? पहले बात तो लोडिंग कैंसिल करना, आई थिंक कंसाइनमेंट से हम ये टॉपिक करते आ रहे हैं, लोडिंग कैंसिल करना, तो वही सेम टॉपिक यहां पे भी कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर? तो विद एग्जांपल्स इसको क्लियर करवाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग आपको इतना ही कंटेंट चाहिए कि हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन ब्रांच का, तो हम एक छोटा सा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे जो कि इनवॉइस प्राइस पे ही बनेगा, एंड वहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी सर, वो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक। दिस स्टॉक इज कंबाइंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस रॉ मटेरियल। ठीक है सर, इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टॉक आएगा, यही फिनिश गुड्स का होएगा, यही रॉ मटेरियल का होएगा। अगर तुम बाइफरकेट कर दोगे कि रॉ मटेरियल का इतना है, तो फिनिश गुड्स का मैं ढूंढ लूंगा, कोई खास बात नहीं है सर। यस, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द अवेलेबल ट्रायल बैलेंस। वही सर, मैं तो पहले ही कर रहा था, बस मैंने दोनों को इकट्ठे कर लिया। क्लियर? हेड ऑफिस का भी इकट्ठा बना लिया, ब्रांच का भी इकट्ठा बना लिया, टोटल का कॉलम साथ में लगा दिया, सो दैट बार बार मुझे मेहनत ना करनी पड़े, बार बार फॉर्मेट नाम लाने पड़े, एक ही फॉर्मेट के अंदर कंसोलिडेशन कर दी। यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मे बी मिसिंग। फिर वही बात, इफ सच स्टॉक इज मिसिंग देन प्रिपेयर हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट। बट ये याद रखना, ये किस पे बनेगा? एट कॉस्ट। ओए, हेड ऑफिस तो कॉस्ट पे बनाएगा। हेड ऑफिस जब क्लोजिंग स्टॉक यहां पे ढूंढेगा सर, ये तो किस पे बनाएगा? कॉस्ट पे बनाएगा ना। एंड एक बात बताओ, मैंने ब्रांच के लिए आपको किस पे कहा? आईपी पे, क्योंकि ब्रांच के लिए इनवॉइस प्राइस ही तो कॉस्ट है सर। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जब ये सामान भेजा था, वो किस पे भेजा था? आईपी पे। तो सर ब्रांच के लिए ये जो आईपी है, जो हेड ऑफिस की ओर से आई सर, मेरी तो यही कॉस्ट हुई ना। हेड ऑफिस ने 100 वाली चीज 120 की लगा के ब्रांच को भेजी, तो ब्रांच क्या कहेगा? मेरे को तो 120 की पड़ी ना, उसको थोड़ी पता कि 100 रुपीज की थी। तो नेचुरली ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या हुई? 120। सर एक्चुअली स्टॉक अकाउंट बन तो कॉस्ट पे ही रहे हैं, बट कहने को वर्ड हम क्या बोलते हैं कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस पे बनेगा? आईपी पे। जबकि एक दिमाग लगाओ, ब्रांच के लिए आईपी ही तो उसकी कॉस्ट बनेगी। उसको थोड़ी पता है इसके अंदर 20% प्रॉफिट है, उसको थोड़ी पता है कि इसके अंदर 15% प्रॉफिट है। उसको तो जितने का कह के सामान बेचा, वो तो उतने पे ही बनाएगा। बट हेड ऑफिस बिल्कुल ही कॉस्ट पे, क्योंकि सर सारी गेम इसको पता है, ये अपनी बिल्कुल कॉस्ट पे बनाएगा। तो इसका अकाउंट कैसे बनेगा? टू बैलेंस बीडी, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट ही बना रहा है काइंड ऑफ। टू बैलेंस बीडी, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय सेल्स, बाय शॉर्टेज एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर ये सारी चीज हम किस पे लेके चलेंगे? कॉस्ट पे लेके चलेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं यहां से क्या निकालूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं सर, ये वही पॉइंट नहीं है जिसे आप वर्ड करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो वही तो कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स माइनस शॉर्टेज माइनस गुड सेंड टू ब्रांच। बट सर सारी वैल्यूज कॉस्ट पे होंगी, तब जाके आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल पाएगी। क्लियर? यस। एंड आफ्टर दैट सर,
कंसोलिडेट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है, ये पॉइंट आपके लिए वाकई बहुत अच्छा है. कंसोलिडेट फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस, इलिमिनेट कॉन्ट्रा आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. नेचुरली सर आप कंसोलिडेट तो कर रहे हो, कंसोलिडेट करते हुए जो मैंने आपको देना था या आपने मुझसे लेना था टोटलिटी में वो कभी नहीं जाएगा, टोटल के कॉलम में कभी नहीं जाएगा. हेड ऑफिस अलग दिखा दे, बैलेंस शीट अलग दिखा दे, स्टैंड अलोन अपनी अपनी बैलेंस शीट में तुम जो मर्जी दिखाओ, बट जब तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, जो मैं कल भी पॉइंट बोल रहा था, कल भी पॉइंट बोल रहा था कि जो हेड ऑफिस ने ब्रांच से लेना है या ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को देना है वो टोटल के कॉलम में नहीं आएगा, टोटल के कॉलम में ब्लैंक. क्लियर? क्योंकि कंसोलिडेट तो हो चुके, कंसोलिडेट मर्ज तो तुम कर चुके, तो तुम अब एक एंटिटी की तरह रिपोर्टिंग दे रहे हो, तो जो तुमने आपस में लेना देना है वो कभी रिपीट नहीं होगा बीच में. इफ ब्रांच स्टॉक इज एट आईपी, बिल्कुल सर है, हमने अभी निकाला कि जो ब्रांच का स्टॉक था वो किस पे है सर, आईपी पे है. आईपी पे मतलब सर हेड ऑफिस ने उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करके ब्रांच को भेजा था, एंड सर वो स्टॉक कौन सा बिक गया, वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा है. सर वन थिंग मेक इट क्लियर, आज ही एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो, सर लोडिंग किसकी कैंसिल होगी? लोडिंग कैंसिल होती है सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं उसकी लोडिंग हम कैंसिल करेंगे. यार एक तरफ तुम अपनी बैलेंस शीट्स मर्ज करने वाले हो, एक तरफ तुम कह रहे हो जी हम कंसोलिडेट करने वाले हैं, और उसी के बीच में मैं अपना प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मुझे तो भी शर्म आनी चाहिए. मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं पहले एक स्टेप करूंगा, क्या कि पहले तो जो तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है, ब्रांच के पास जो स्टॉक पड़ा है उसके अंदर मेरा प्रॉफिट था, एंड वो प्रॉफिट मैंने अभी कमाया नहीं, वो प्रॉफिट मैंने अभी कमाया नहीं क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है. चीज एक तो होती है कि मैंने जो आपको सामान भेजा आपने नेक्स्ट ऑन क्या कर दिया, सेल कर दिया, सर वो तो रियलाइज्ड हो चुका, वो प्रॉफिट तो रियलाइज्ड हो चुका, बट सर जो स्टॉक अभी भी तुम्हारे पास पड़ा है एंड उसके अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है, तो मेरा वहां पे क्या धर्म अंत है? मैं तो ये कहूंगा सर वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो मैंने अभी तक नहीं कमाया, जो आपके थ्रू मैंने सामान भेजा था वो मैंने अभी नहीं कमाया, उसको कैंसिल करें. क्लियर? तो यहां पे क्या कहेंगे, देन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. प्रोविजन बना लो, अगले साल चढ़ते ही ओपनिंग स्टॉक होगा, बिकेगा, प्रॉफिट बना लेंगे. अगर आपको याद हो सर लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो फॉरेन ब्रांच में था, हमने एक क्रेडिट साइड पे पीएल की क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व. क्लियर? एक 65 की वैल्यू थी एंड 0.11 की वैल्यू डेबिट साइड थी टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व. यही पॉइंट किया था अगर आपको याद हो, एक फॉरेन ब्रांच वाला क्वेश्चन था जिसमें $10 का, वो दिल्ली न्यूयॉर्क वाला क्वेश्चन था 2013 मई का, चेकआउट कर लेना स्कैनर में से. क्लियर? तो नॉर्मली ये सर ओपनिंग स्टॉक के ऊपर रिजर्व था जिसको हमने नेक्स्ट टाइम क्या बना लिया, प्रॉफिट, क्योंकि सर पिछले साल आपने इसको कैंसिल किया होगा ना. और ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपका रिजर्व था जिसकी आपने क्या बनाई, प्रोविजन बनाई. क्लियर? या फिर अगर आपको याद हो 64.89 हमने नट शेल वहां पे लिखा था, तो ये वही तो पॉइंट की बात कर रहे हैं. हमने प्रोविजन बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सर ये किसके ऊपर बन रही है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर. किसके ऊपर बन रही है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर. एंड नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉफिट रियलाइज्ड हो जाएगा, जब ये अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, नेचुरली तुम इसको नेक्स्ट आगे बेच दोगे, तो मैं इसी प्रोविजन को कैंसिल कर दूंगा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंट्री रिवर्स कर दी, ये लो आपके सामने वही तो पड़ा है जो मैं ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूं. इस साल प्रोविजन बना दी, अगले साल प्रोविजन इनकम में डाल दी. क्लियर? क्योंकि वो अनरियलाइज्ड था. प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड इन बैलेंस शीट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट कैन बी गिवन इन द स्टॉक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दैट मीन्स वहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसके ऊपर इंपैक्ट दे सकते हैं. क्लियर? यस. प्रिपेयर हेड ऑफिस अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. हेड ऑफिस अकाउंट बनाओ. एक पॉइंट और करो, इसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन. क्लियर? ये टॉपिक एक अलग से है, आपके मॉड्यूल्स के अंदर भी अलग से गिवन होगा. सर यहां पे हेड ऑफिस अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को या बैलेंस शीट को मर्ज करेंगे.
क्लियर। उसके लिए हेड ऑफिस अकाउंट बनाओ ब्रांच की बुक्स में एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछी होगी, ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट गिवन होगी कि किसकी बुक्स में किसको इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो सर आपको एक बात तो क्लियर है कि ब्रांच की बुक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हेड ऑफिस की बुक्स में, बट ये पूछने का तरीका होएगा, पूछने का, क्योंकि एंट्रीज का फर्क होएगा कि हेड ऑफिस के पॉइंट से एंट्रीज दो या ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री दो, तो एक पूछने का तरीका है, बट इतना क्लियर है कि लास्ट में सर जो आपके ब्रांच के बैलेंसेज हैं, ब्रांच के बैलेंसेज को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हेड ऑफिस की बुक्स में। अब ये पूछने का तरीका होएगा कि वो कौन सा अकाउंट आपसे पूछेंगे। सर मे बी वो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट पूछें या हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट पूछें। आपको क्या मतलब सर, इनकॉर्पोरेट तो वही होएगा ना, इनकॉर्पोरेट तो ब्रांच को ही किया जाएगा ना हेड ऑफिस में, तो आपकी इच्छा जो सर कहोगे मैं तो उसी के अकॉर्डिंग एंट्रीज डाल दूंगा। तो सर एंट्रीज भी बताई दो लास्ट पेज, इन द बुक्स ऑफ अगर हेड ऑफिस के बुक्स में एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, क्लियर। इनकॉर्पोरेशन की एंट्री कैसे डालेगी, दैट मींस अब आप ये बात देखो कि ब्रांच की सारी बैलेंसेस को उठा के हेड ऑफिस में मर्ज किया जा रहा है, तो वो कैसे मर्ज होगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या कहेगा, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स आ रही हैं, टू लायबिलिटीज, टू उनका प्रॉफिट एंड लॉस भी, सब कुछ उठा लेंगे, सारी बैलेंस उठा लेंगे जितनी भी है, क्लियर। जिसे आप कहते हो ना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, यार पीएल उठा तो लिया तो ट्रेडिंग पीएल इसके अंदर ही आ गया ना, क्लियर। और बाकी बैलेंस शीट भी उठा ली, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, टू पीएल क्रेडिट एंड टू ब्रांच, एंड टू ब्रांच, इज दैट क्लियर। एंड सर ब्रांच क्या कहेगा, ब्रांच कहेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे दिया एंड सारी एसेट्स भी मैंने क्या करवा दी, अपनी मर्ज करवा दी, ट्रांसफर करवा दी। सर दीज टू एंट्रीज आर इनकॉर्पोरेटिंग एंट्रीज। जब भी क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा कि एंट्रीज डालो फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इन द हेड ऑफिस, क्लियर, कि ब्रांच की बुक्स को इनकॉर्पोरेट करवाना है हेड ऑफिस में, आप ये देखो कि किसके व्यू पॉइंट से पूछा, उसके व्यू पॉइंट से एंट्री डाल दो। और एक बात तो क्लियर है, ब्रांच अपनी एसेट दे रहा है, लायबिलिटी दे रहा है, क्लियर। एक बात बताओ, ब्रांच की बुक्स में एसेट गया थी डेबिट, ब्रांच की बुक्स में इधर, क्लियर, ब्रांच की बुक्स में एसेट गया थी डेबिट, तो एसेट जब जाएंगी उनको क्या करेगा, क्रेडिट, एंड लायबिलिटीज क्या थी, क्रेडिट, तो जब उनको भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो सर एंट्री बंद हो गई, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे दिया, टू एसेट अकाउंट, सारे बैलेंसेस रिवर्स करके खत्म कर दी बैलेंस शीट में अपनी, सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए। एंड उधर हेड ऑफिस क्या कहेगा, मेरे पास तो आ रहा है ना, एसेट अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज मेरी क्रेडिट में जाएंगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस उधर से जो आया, एंड ब्रांच से जितने पैसे लेने देने थे सारे क्या हो चुके, सेटल हो चुकी, ये क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। एंड स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आज आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नॉट एनी इशू, बिल्कुल भी क्लियर। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अबव वी कैन ट्रांसफर इनकम एंड एक्सपेंसेस, सो दैट अब आपके पास एक क्वेश्चन भी आएगा स्कैनर के अंदर, आई थिंक इंडिपेंडेंट ब्रांच का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, वहां पे उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड नहीं लिखा, उन्होंने अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या किए, ट्रांसफर किए। यार इतना लंबा चक्कर क्यों डालेंगे, डायरेक्टली तुम एक प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, नेट प्रॉफिट उठाओ, सीधा ट्रांसफर कर दो। जरूरी है पहले इनकम साइड ट्रांसफर करेंगे, फिर एक्सपेंसेस साइड ट्रांसफर करेंगे, इतनी एंट्रियां क्यों डालेंगे हम, क्लियर। सो दैट होल ऑफ द ट्रायल बैलेंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, नोट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट ओनली। हाँ जी हाँ बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो अकेला प्रॉफिट ही ट्रांसफर करूंगा, मैं नहीं करूंगा वहां पे ट्रेडिंग पीएल, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन बनाएंगे, इतनी एंट्रीज वहां पे डाल के आऊंगा, इतना काम नहीं करूंगा। कह के जाएगा तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं, मैं तो सीधा नेट प्रॉफिट उठाऊंगा और हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दूंगा, क्लियर। री इनकॉर्पोरेशन इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओके सर। एंड नोट बिफोर कंसोलिडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से, क्योंकि ये जनरली एरर्स हैं जो आपको यहां पे मिलेंगी। बिफोर कंसोलिडेशन प्रोसेस बिगिंस, बैलेंस ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट शुड इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे आप कह रहे थे सर हेड ऑफिस कहता, हेड ऑफिस
यहाँ पे कह रहा है कि मैंने 12 लाख रुपए ब्रांच से लेने हैं, दैट मींस डेबिट। इन्होंने ब्रांच का बैलेंस ये निकाला हुआ है एंड ब्रांच कह रही है जी हमने हेड ऑफिस को 10 लाख रुपए देने हैं क्रेडिट। सर पहली बात तो ये पंगा किस बात का, वो कह रहा जी मैंने 12 लाख रुपए लेने हैं और आप कह रहे हो जी मैंने 10 लाख देने हैं, ये किस बात का पंगा है सर? या तो सर वो जो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट पीछे पड़ के आए थे उनका कोई लेना देना होएगा, या हमारे पास दो आइटम्स होती हैं जो हमेशा कॉमन गलतियां निकलती हैं, क्या? वन इज कैश इन ट्रांजिट एंड सेकेंड इज गुड्स इन ट्रांजिट। सर ये दो चीज ऐसी हैं नॉर्मली जो बिल्कुल ईयर एंड पे होती हैं एंड समटाइम्स मेरी ओर से मान लो 30 तारीख को चीज चली गई बट आपको रिसीव नहीं हुई और 31 मार्च को आपकी क्लोजिंग है, जिसके कारण सर ये डिफरेंसेस हमारे क्या हो चुके, रेज हो चुके। तो मैं सबसे पहले ना हमेशा हमेशा सबसे पहले बाकी इंटरेस्ट भी बाद में देखूंगा, सबसे पहले क्या देखूंगा, क्या कोई ये दो इंटरेस्ट तो नहीं, कोई गुड्स इन ट्रांजिट हो या कोई कैश इन ट्रांजिट हो। जैसे मान लो आप कह रहे हो जी मैंने हेड ऑफिस से 12 लाख रुपए सॉरी ब्रांच से 12 लाख रुपए लेने हैं, सर मे बी ब्रांच ने आपको 2 लाख रुपए लास्ट डेट को 30 मार्च को भेजे हो कैश, बट अभी तक आपने रिसीव नहीं किया, जिसके कारण आप 2 लाख रुपए बैलेंस ज्यादा दिखा रहे हैं, क्लियर। या फिर सर ये भी तो हो सकता है कि हेड ऑफिस ने 2 लाख रुपए का सामान, 2 लाख रुपए की गुड्स किसको भेजी, ब्रांच को भेजी, सर किस दिन भेजी, वही सर 30/3 को भेजी, बट इन्होंने अभी तक रिसीव नहीं करी, अभी रास्ते में है, जिसके कारण मेरा 2 लाख रुपए बैलेंस ज्यादा आ रहा है और उनका 2 लाख बैलेंस कम आ रहा है। तो ये हमेशा मतलब इन ट्रांजिट आइटम्स रहेंगी। यस, तो इनके लिए क्या कहा, कहते जी अगर ऐसा कोई डिफरेंस आया भी, इफ एनी डिफरेंस इज रिपोर्टेड देन रिकंसिलेशन शुड बी डन जनरली, डिफरेंस इज ड्यू टू इन ट्रांजिट आइटम्स एंड यूजली सर इन ट्रांजिट आइटम्स के कारण ही ये क्या होता है, डिफरेंस आता है। सच इन ट्रांजिट आइटम शुड बी रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, ये ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर जो होगा, जैसे मैंने आपको सामान भेजा तो आप रिसीवर हो, आप अपनी बुक्स में रेक्टिफाई करोगे। आपने मुझे कैश भेजा, क्लियर, तो मैं रिसीवर हूं, मैं अपनी बुक्स में रेक्टिफाई करूंगा। दैट मींस सर इन द बुक्स ऑफ, ये जो एंट्रीज आपने डालनी है हमेशा 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 इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, इन द, मैं दोबारा लिख रहा हूं साफ साफ, सर वो भी तो साफ लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, चलो इन द बुक्स ऑफ रिसीवर। सर रिसीवर की बुक्स में, चाहे हेड ऑफिस रिसीवर है चाहे ब्रांच, हमें नहीं पता कि तुमने उसको कुछ भेजा या उसने तुम्हें कुछ भेजा, जो भी पर्सन रिसीवर होगा उसकी बुक्स में ये एंट्री डलेगी, क्या सर? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट या कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर होएगा तो डेबिट, क्योंकि दोनों के लिए एसेट है, रिसीव करनी है ना, तो दोनों के लिए एसेट है। डिपेंड करेगा टू ब्रांच या हेड ऑफिस, टू ब्रांच या हेड ऑफिस, डिपेंड करेगा कौन एंट्री रिकॉर्ड करेगा, उसके व्यू पॉइंट्स है। अब जैसे नॉर्मल सी बात बताओ, हेड ऑफिस कहता जी मैंने ब्रांच को 2 लाख रुपए की गुड्स भेजी बट उन्होंने अभी तक रिसीव नहीं करी, तो एंट्री वो क्या पास करेंगे? सर वो एंट्री पास करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ब्रांच एंट्री पास करेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। नेचुरली सर ब्रांच थोड़ी लिखेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में ब्रांच नाम लिखेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में किसका नाम डालेगा? हेड ऑफिस का। इज दैट क्लियर? तो यूजली ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन डिफरेंसेस हैं जो आते ही आते हैं। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए जब भी आप इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन करें तो अगर वहां पे सबसे पहले पॉइंट ये देखो कि हेड ऑफिस जितना लेने को कह रहा है, क्लियर, ब्रांच उतना ही देने को कह रही है ना, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है? अगर डिफरेंस है तो पहले तो रिकंसिलेशन करो, सबसे पहला स्टेप बुक्स को रिकंसाइल करो। इज दैट क्लियर? ओके, लो सर आज फाइनली कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको यहां पे करवा देता हूं, सो दैट, वैसे भी 5-6 क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं एंड बाकी 2-3 क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे, जस्ट एंट्रीज हैं, कुछ भी नहीं है सर, लिटरली मजाक चलेगा, क्लियर? यस, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3.8 है जहां से अपनी ये बेसिकली बुक्स की एंट्री रेक्टिफिकेशन स्टार्ट होती है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ मेसर्स टीपीएल सन्स वेयर एवर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता सर इसके एडजस्टमेंट करके दो, क्लियर? यस, नंबर वन, ब्रांच पेड
₹5,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस मैनेजर। पहली बात तो ब्रांच ने हेड ऑफिस के मैनेजर को सैलरी पे आउट करी। सर पहली बात तो आप एक बार बताओ, मैनेजर किसका, हेड ऑफिस का, पे कौन कर रहा है, ब्रांच, तो खर्चा किसका होना चाहिए था? सर सैलरी खर्चा तो होना चाहिए था हेड ऑफिस का, जबकि दे कौन रहा है, ब्रांच। बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। सर यही तो मेरे से गलती हो गई, यही तो गलती हो गई। सैलरीज अकाउंट में मैं थोड़ी डालूंगा, ब्रांच थोड़ी डेबिट करेगी, मेरा खर्चा थोड़ी है सैलरी। सैलरी किसका खर्चा थी, हेड ऑफिस का, मैनेजर किसका था, हेड ऑफिस का, तो मैं अपनी बुक्स में सैलरीज क्यों डेबिट करूंगा भाई। तो दैट मींस अगर मैं एक बात करूं नॉर्मली, तुमने सैलरीज को डेबिट किया तो मतलब तुमने एंट्री क्या डाली होगी, तुमने ब्रांच ने एंट्री क्या डाली होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वॉट एवर, मतलब तुम कैश बैंक तो डाल चुके, सिर्फ रेक्टिफाई करना है ना। सर सैलरीज की जगह वर्ड क्या आना चाहिए था, सैलरीज की जगह वर्ड क्या आना चाहिए था, हेड ऑफिस आना चाहिए था ना, क्योंकि खर्चा किसका, हेड ऑफिस का, मैनेजर किसका, हेड ऑफिस का, सैलरी अकाउंट किसका होना चाहिए था, हेड ऑफिस का, मैं अपनी बुक्स में थोड़ी डेबिट करूंगा। आइए एंट्री देखिए नीचे। सर एंट्री क्या डाली, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। सर ये तो प्लस वन याद आ गई, प्लस वन में एक टॉपिक हम पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्कुल वही टॉपिक आपके सामने दोबारा है। सिंपल सिंपल एंट्रीज हैं, तो मेनली इसमें कोई ज्यादा हार्डशिप नहीं है। नेक्स्ट इज अ रिमिटेंस ऑफ, रिमिटेंस मीन पैसे भेजना, ऑफ 1.5 लाख रुपए सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट। अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हो कि कौन इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, किसके बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। सर रिसीवर की बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होगी। एंड रिसीवर यहां पे कौन है, सर रिसीवर यहां पे हमारा है प्योरली हेड ऑफिस, क्योंकि लिखा हुआ है ना सेंट बाय द ब्रांच। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सर कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, क्योंकि हेड ऑफिस ने रिसीव करना है। तो नॉर्मली आइए एंट्री क्या पास करेंगे, बट यहां पे सर हम किसकी बुक्स बना रहे हैं ये भी तो देख लो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो सर ब्रांच ने तो कोई एंट्री डालनी ही नहीं है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, मैं तो ब्रांच की बुक्स बना रहा हूं। वैसे बता चुका हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, बट सर मेरे में कोई एंट्री नहीं डालेगी, क्योंकि मैं तो 1.5 लाख रुपए भेज चुका, उसको नहीं मिले वो उसकी गलती, क्लियर। वो अपनी बुक्स को रिकनसाइल करेगा, मेरी ओर से कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं। नेक्स्ट इज ब्रांच एसेट्स अकाउंट्स रिटेन्ड एट हेड ऑफिस। ब्रांच की जो एसेट्स हैं, एसेट अकाउंट्स हैं, वो हेड ऑफिस पे रिटेन होते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर 15,000 नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। मतलब ब्रांच के जो एसेट अकाउंट हैं, वो सर मेंटेन कहां पे होते हैं, हेड ऑफिस पे, एंड उसके ऊपर 15,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आपने क्या करनी है, चार्ज करनी है, जो कि नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच है। सिंपल सी बात सर, डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में चार्ज कर लो। तो क्या एंट्री पास करेंगे, सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। आई थिंक नोटिंग में जो सेकंड पेज पे आपके एक एंट्री थी डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली, ये वही एंट्री है, सेम, क्लियर। नोटिंग में सेकंड पेज के अंदर आप अपनी में भी थर्ड फोर्थ एंट्री, लास्ट थर्ड एंट्री होगी शायद में भी डेप्रिसिएशन वाली, वो एंट्री यहां पे सेम ये चल रही है। नेक्स्ट इज सर हेड ऑफिस एक्सपेंसिस 75,000 एलोकेटेड टू द ब्रांच। सबसे लास्ट वाली एंट्री, सेकेंड पेज पे सबसे लास्ट वाली एंट्री, एक्सपेंसिस चार्ज्ड बाय एचओ, वही एंट्री है, बट नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड कर लो, 75,000 का खर्चा है ना, ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर मैं अपनी बुक्स में एक्सपेंसिस क्लेम करूंगा ना, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, और इसकी पेमेंट किसको करनी है, हेड ऑफिस को। तो एंट्री के पास करी सर, चेकआउट कर लो, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। नेक्स्ट इज हेड ऑफिस कलेक्टेड ₹60,000 डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांच कस्टमर। कस्टमर ब्रांच का पैसे कलेक्ट किए हेड ऑफिस ने, एंड इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना यहाँ पे, क्लियर। मेरा कस्टमर था ब्रांच का, पैसे आपने लिए, तो मैं तो एंट्री के पास करूंगा। नॉर्मली हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, कि मेरे जो पैसे थे तुम्हारे पास पड़े हैं ना, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और मैं अपनी बुक्स में से डेटर क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। तो अगर तुमने वो पहले दो पेजेस अच्छे से रीड आउट किए,
तो आई थिंक जितने भी तुम्हारे ये 5-6 क्वेश्चंस हैं एंट्रीज वाले, तुम्हें 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। क्लियर? यस। नेक्स्ट आगे सर, गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ अमाउंटिंग टू ₹50,000 बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल द डेट ऑफ रिकंसिलेशन, दैट मींस इन ट्रांजिट, सेंड किसने किए? हेड ऑफिस ने। बट सर हम तो इन द बुक्स ऑफ रिसीवर डालते हैं ना, तो रिसीवर यहां पे कौन है? ब्रांच। तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री क्या डालेगी? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। चेक कर लो साथ साथ सर, ये रही एंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। चलिए, ब्रांच इंकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस। सर मैंने किसी अदर ब्रांच के बिहाफ पे, कोई दूसरी ब्रांच थी, मान लो मेरी ब्रांच दिल्ली में है और एक नेक्स्ट नागपुर ब्रांच थी, तो मैंने नागपुर ब्रांच के बदले में कोई खर्चा कर दिया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कर दी, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो यहां पे एक रूल होता है कि अगर एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन करी, तो आप अपनी बुक्स में, आपको पढ़ाऊंगा भी ये चीज, आप अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि ट्रांजेक्शन आपने हेड ऑफिस के साथ करी। मेरा दूसरी ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे खर्चा किया, बट मैं उस ब्रांच का नाम अपनी बुक्स में नहीं लेके आऊंगा, मैं डायरेक्टली क्या रिकॉर्ड करूंगा, जैसे मैंने हेड ऑफिस के साथ ट्रांजेक्शन करी होती है। एंड वो भी क्या रिकॉर्ड करेगा, दूसरी ब्रांच भी क्या रिकॉर्ड करेगी, जैसे उन्होंने हेड ऑफिस से वो सर्विस ली होती है। मतलब हम ब्रांचेस अपना नाम नहीं लिखेंगी, हम रूट करेंगे थ्रू द हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या पास करेंगे सर? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। मैं तो कहूंगा जी मैंने जो खर्चा किया मैंने तो हेड ऑफिस के पॉइंट से किया। क्लियर? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, कि जो भी ये खर्चा हुआ हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो एक तरह का हेड ऑफिस को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। लास्ट, हेड ऑफिस मेड पेमेंट ऑफ ₹16,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय ब्रांच। ब्रांच की कोई परचेज थी जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस ने करी बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। अभी रिकॉर्ड कर देते सर, परचेज मैंने करी, पेमेंट किसने करी? हेड ऑफिस ने। कोई दिक्कत नहीं सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, की परचेज मैंने करी और हेड ऑफिस को इसकी पेमेंट करनी है, क्या खास बात हो गई सर। तो ऐसी ये एंट्रीज हैं जो आप नेक्स्ट ऑन 2-3 पेजेस के अंदर सारे ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। लाइक सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाता हूं, एडजस्टमेंट एंड रिकंसिलेशन ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट्स। क्लियर? वैसे टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, बट एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पहले भी गिवन था तो उसको भी मैंने बीच में ही कवर कर लिया। यस, नंबर वन, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹3,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। पहली बात तो सर ये किसकी बुक्स में है? ब्रांच की बुक्स में एंट्रियां डालनी। ठीक है, अब क्लियर। हेड ऑफिस का खर्चा ₹3,500 का जो कि एलोकेट हुआ ब्रांच को, कोई दिक्कत नहीं सर, ब्रांच को एलोकेट हुआ, तो ब्रांच अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस क्लेम करेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। लो सर फर्स्ट एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट हूज अकाउंट्स आर केप्ट बाय द हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड फॉर 1500। ब्रांच की एसेट जिसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स कौन केप्ट करता है? हेड ऑफिस। वही सर लास्ट थर्ड एंट्री, क्या एंट्री थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। आपको आधी एंट्री याद हो जाएगी, लिटरली याद हो जाएगी। ब्रांच पेड 2000 एज सैलरी टू एचओ इंस्पेक्टर बट द अमाउंट पेड बाय डेप्टी टू, वही सर पीछे वाली सेम एंट्री, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है सर, 10,000 के डायरेक्टली कस्टमर से आपने लिए, रेमिटेंसी और ब्रांच इंकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच भी। सर सारी एंट्रीज आपकी सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है, बट एक चीज, रेमिटेंस सेंट बाय द ब्रांच, सर ब्रांच ने तो भेजी है, और ये तो सर जो इन ट्रांजिट आइटम्स होती हैं ये तो रिसीवर की बुक्स में होनी चाहिए, तो मैंने तो भेजी है, मैं थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। तो क्या लिखेंगे? नो एंट्रीज पास्ड फॉर द सेट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्लियर? तो ऐसे ही नेक्स्ट जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस हैं सर, सब में रिपीटिंग एंट्रीज हैं सारी। दैट मींस ये 4.2 तो नॉर्मल है, छोटा सा क्वेश्चन है, गुड्स इन ट्रांजिट वाला, कोई खास बात नहीं है। क्लियर? तो नॉर्मली ऐसे ही जितने, जैसे 4.4 आपके पास क्वेश्चन है या नेक्स्ट वन आपके पास 4.5 है, क्लियर, एंड 4.6, 4.7, सबके अंदर आपकी बार 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 रिपीटिंग एंट्रीज आएंगी। क्लियर? एंड लिटरली जितने भी क्वेश्चंस ये हैं,
अगर ये क्लास आप मेरी अभी अटेंड कर रहे हैं तो विद इन 15 मिनट्स आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एंड कोई भी एंट्री में डाउट है तो आप इंस्टेंटली मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? सो नॉर्मली ये चीज मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्लियर, क्योंकि सर 15 मिनट्स का होमवर्क है। आई थिंक मैं इसको इतना भी वो नहीं करना चाहूंगा कि आपको मैं बहुत बड़ा होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं सो दैट कि आप उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ कर सकें, कि आप अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी कर सकें कि वो एंट्री कैसी आई। अगर मैंने ही उसकी एक्सप्लेनेशन सारी आपको प्रोवाइड कर दी तो वो चीज आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो नॉर्मली सर आपके लिए आज आपका होमवर्क यही है कि आपने ये इंडिपेंडेंट ब्रांच की एंट्रीज कंप्लीट करनी है एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्या करूंगा प्रोवाइड करूंगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच के ही कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड जैसे ही अपना ब्रांच कंप्लीट होगा नेक्स्ट ऑन टॉपिक मैं आपको देखता हूं हायर परचेज या डिवेंचर जो मेरा करवाने वाला है वो कंप्लीट करवाऊं सो दैट नेक्स्ट हम अपनी प्लानिंग बना सके। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट। एंड प्रॉपर राइटिंग में आपने इसका कंटेंट नोट डाउन करना है एंड जितनी भी एंट्रीज आप ये नोट डाउन करेंगे, क्लियर, साथ साथ उसकी आपकी मतलब एक रिटेनिंग हो जाएगी कि लिखते हुए आपको याद हो जाएगी कि एंट्रीज बनी कैसे। ओके, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।